नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, डर और आत्मविश्वास। जीवन में कई बार हमें डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन याद रखें, डरना मत, जो होगा अच्छा होगा। जब हम किसी नए राह पर निकलते हैं, अनजान रास्तों पे चलते हैं, तो डरना स्वाभाविक है। लेकिन यही डर हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर कुछ नया करने की प्रेरणा देता है। हर किसी को कभी न कभी असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन असफलता का डर हमें मेहनत करने से नहीं रोक सकता। हमारी मेहनत और सकारात्मक सोच हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। आत्मविश्वास और समर्पण से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। इतिहास में महान व्यक्तियों ने अपने डर को हराकर ही सफलता प्राप्त की है। महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, सभी ने कठिनाइयों का सामना किया और दुनिया को बदल दिया। दोस्तों, जब भी आप किसी समस्या का सामना करें, अपने आप से कहें, डरना मत, जो होगा अच्छा होगा। हर मुश्किल घड़ी में हमें मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। कठिन समय भी हमें कुछ नया सिखाता है और हमें बेहतर बनाता है। डरना मत, जो होगा अच्छा होगा। हर संघर्ष, हर चुनौती हमें और भी मजबूत बनाती है। हर नया दिन नई संभावनाओं के साथ आता है। हमें अपने डर को किनारे रखकर उन संभावनाओं का स्वागत करना चाहिए। जब हम छोटे होते हैं तो हमें गिरने का डर होता है, लेकिन उठकर फिर से कोशिश करने से ही हम सीखते हैं। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। चुनौतियों का सामना करते समय हमारे पास दो विकल्प होते हैं, डर में जीना या आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना। पहाड़ की ऊंचाई हमें डराती है, लेकिन चोटी पर पहुंचने की खुशी उस डर से कहीं अधिक होती है। जीवन में भी हमें सपनों की ऊंचाई हमें प्रेरित करती है। अपने आप से कहें, डरना मत, जो होगा अच्छा होगा। आत्मविश्वास के साथ हर दिन का सामना करें और देखें कि कैसे आपका जीवन बदल जाता है। साथ मिलकर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जीवन के सफर में हर उतार चढ़ाव हमें कुछ नया सिखाता है। हर कठिनाई, हर चुनौती हमें और भी मजबूत बनाती है। याद रखें, डरना मत, जो होगा अच्छा होगा। हर दिन को आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ जिए। धन्यवाद।